और अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर। संदेश काली मामले का गुनहगार और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, शाहजहां शेख पिछले 55 दिनों से फरार था। ईडी की टीम पर हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार था और शाहजहां शेख पर संदेश खाली की महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने के भी आरोप लगाए थे, जिसके बाद से बंगाल की सियासत में भूचाल आया हुआ था। आपको बता दें, 7 मार्च प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल दौरा, संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं पीएम से मिलने की तैयारी में थी। तो आप देखिए, आखिरकार 55 दिन के बाद शाहजहां शेख टीएमसी का नेता, टीएमसी लीडर शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ और बशीरहाट कोर्ट में अब आज पेश भी किया जाएगा शाहजहां शेख को। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल की पुलिस को 55 दिन का वक्त क्यों लग गया? आखिर क्यों यह गिरफ्तारी कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जब सख्त बयान आता है, जब सख्त निर्देश दिया जाता है, उसके बाद होती है? तो बड़ी खबर क्या है, टीएमसी लीडर शाहजहां शेख को आज ही कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। दोपहर 12 बजे शाहजहां शेख की पेशी होगी, बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां शेख की पेशी होगी। तो आपको बता दें, देर रात करीब 3 बजे के आसपास ये खबर आती है जब टीएमसी लीडर शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाता है संदेश खाली का मामला। और संदेश खाली मामले में लगातार वहां पर महिलाओं की तरफ से आरोप लगाया गया यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का और जबरन जमीन कब्जाने का। और इस पूरे मामले पर 26 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे। शाहजहां शेख पर कई गंभीर आरोप हैं और आरोप है कि उसने संदेश खाली में काफी सारी जमीन पर कब्जा तो किया ही, वहां खेती बाड़ी और इसको चौपट करते हुए मछली पालन के कारोबार को बढ़ाया। ऐसे करते हुए उसने अकूत संपत्ति भी बनाई। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं के मर्डर में भी आरोपी है शाहजहां। आपको बता दें, चार्जशीट में हालांकि नाम नहीं है, राशन घोटाले के लिए भी शेख शाहजहां आरोपी है। इसके अलावा महिलाओं के यौन शोषण के भी आरोप इस पर लगे हुए हैं। हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता लगातार इस गिरफ्तारी को देखते हुए बड़े अपडेट हमें दे रहे हैं, क्योंकि दोपहर 12 बजे होने वाली पेशी से पहले इस वक्त के हालात को मॉनिटर भी किया जा रहा है और यही वजह है कि देर रात समय और हालात देखते हुए ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी रविशंकर दत्ता हुई है। रवि, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो फिलहाल इस पर अपडेट चाहेंगे इस वक्त का? हाँ, देखिए, अपडेट फिलहाल ये है कि 12 बजे से 2 बजे के अंदर शेख शाहजहां को पेश किया जाएगा, जिसका बात आप जिक्र कर रहे थे कि हालात को देखते हुए 2 बजे से 4 बजे के बीच सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वही टाइम रहता है जो लोग सोते रहते हैं, उनका जो सपोर्टर सभी भी हैं जो उनके लिए काम करते थे, वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ा ना कर दे, वहाँ पे झमेला ना करे, इसको देखते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया वही जगह पे जल्द कल, जिसके बारे में शुभेंदु अधिकारी ने जिक्र किया था। और सबसे बड़ी बात है, इसी को देखते मद्देनजर रखते हुए उनको बशीरहाट जो कोर्ट है उसके लॉकअप में ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचा दिया गया, ताकि जब उनको अंदर लेके जाए वहाँ पे कोई समस्या ना हो। अब देखना यह है कि स्टेट पुलिस जो है कितना दिन का उसको कस्टडी के लिए बोलते हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि उनका बेल का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक इनपुट आपसे और चाहूंगी, बशीरहाट में मौजूदगी को लेकर क्या इनपुट था, किसकी शरण में अभी तक छिप रहा था ये? देखिए, इसके बारे में कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेट पुलिस के तरफ से इसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो कोई स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि स्टेट पुलिस को बहुत दिन पहले पता था शेख शाहजहां कहां पे है, तो बस इसके चलते जहां पे शेख शाहजहां का, जैसे कि आज पता चल रहा है, मेरा सहयोगी ऑडिटर भी कह रहा था कि टावर लोकेशन देख के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इतना दिन 55 दिन हो गया, उनका टावर लोकेशन तब पुलिस को नहीं पता चला कहाँ उसका टावर लोकेशन है, और अचानक जिनका मोबाइल बंद है उसका टावर लोकेशन अचानक कैसे ऑन हो गया, क्यों शेख शाहजहां अपना फोन ऑन किए, इसको लेके सवाल उठता है। ये बहुत सारे सवाल है जिसका उत्तर पुलिस को देना बिल्कुल। और रविशंकर, हमने देखा भी था कि ऐसे बीजेपी की तरफ से लगातार ममता सरकार पर शेख शाहजहां को संरक्षण देने का आरोप लगाया जा रहा था। आपके पास फिर लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस का बयान आया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बोले राज्यपाल, यही लोकतंत्र है, जो किया जाना था हुआ। ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर की तरफ से कहा गया। बंगाल में
कानून व्यवस्था की नई सुबह की अब आशा जागी है। तो शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद सीवी बोस पश्चिम बंगाल के गवर्नर क्या बोल रहे हैं, सुनिए आप। There will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. शिकंजे में आए शाहजहां को के बारे में बता दें, इसकी क्राइम कुंडली की फेहरिस्त बड़ी है। 49 FIR को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बता दें शाहजहां शेख पर 49 FIR दर्ज हुई है। पुलिस शाहजहां को ईडी और सीबीआई को नहीं देगी। सोर्सेस के हवाले से फिलहाल बड़ी खबर इस बारे में भी है, ईडी और सीबीआई की हिरासत में नहीं देगी पुलिस। एक बार फिर से बता दें, गिरफ्तारी को लेकर तो बड़ी खबरें मिली हैं, लेकिन 49 FIR को लेकर खबर है। वहीं सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि पुलिस ईडी और सीबीआई की हिरासत में नहीं देने वाली शाहजहां शेख। इससे पहले टीवी 9 के शो सत्ता में हमने कल ही संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां शेख के काले साम्राज्य पर एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, और यह बताया था कि बंगाल और देश जितना शाहजहां के बारे में जानता है वो उससे बड़ा विलन है। आप देखिए एक बार, बाम शासन में एक मामूली सा गुंडा रहे शेख शाहजहां को संदेश खाली का इट मिट्टी में आखिरकार ऐसा क्या मिला था जिसके चलते वो हरी भरी जमीन को फिशरी में तब्दील करता था। इसके राज संदेश खाली का ये मिट्टी और ये पानी में छुपा हुआ है। संदेश खाली का मिट्टी में और पानी में नमक की मात्रा ऐसा है जिसके चलते यहाँ पे मछली फलता फूलता है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, और इसी के चलते शेख शाहजहां को यहाँ पे दिखा पैसे का खदान, और इसी के चलते शेख शाहजहां यहाँ पैसा जुटाने में लग गए। टीवी 9 भारतवर्ष के हाथ में आया शेख शाहजहां का बिजनेस का वो बिल्स जो कि एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेहद 10 ऐसे बिल्स हैं जिसका कुल मिला के जो अमाउंट बनता है 55 लाख रुपया है। इससे साफ जाहिर होता है अगर शेख शाहजहां एक दिन में 55 लाख रुपया का बिजनेस करता था, मछली बेचता था, एक्सपोर्ट करता था, तो फिर साल भर में करीब 116 करोड़ रुपया का बिजनेस उसका था, और बीते 15 सालों में उसका 1800 करोड़ रुपया का बिजनेस बना है, और इसी का भनक ईडी को लग गई थी कि ये जो चावल है ये बांग्लादेश बेचती है, उसको पॉलिश करती है, दोबारा इंडिया में लाती है, उसको बेचती है। अच्छा, और इसके साथ साथ उसका ईंट का भी बिजनेस है। हाँ, ये मैंने देखा है, मेरा धामाखाली पार में जो मेरा भी घर है उस जगह मैंने जाकर देखा है कि यहाँ शाहजहां का मार्केट भी ईंट भाटा है। तो आपने देखा कैसे शाहजहां शेख जो कि आम मजदूर हुआ करता था और कैसे उसने अपना साम्राज्य फैलाया। इस बीच एक और बड़ी खबर, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बोली बीजेपी, लगातार आंदोलन से मजबूर हुई है सरकार, आंदोलन की वजह से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि लगातार उनका प्रोटेस्ट, महिलाओं की तरफ से प्रोटेस्ट, जो आंदोलन चल रहा था संदेश खाली में, इसका असर पड़ा, दबाव पड़ा सरकार पर और ये गिरफ्तारी। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, आपकी रिपोर्ट हमने देखी कि किस तरीके से इसके पूरे साम्राज्य को देखते हुए बड़े खुलासे हुए हैं, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए किस तरीके से शिकंजा कसेगा इस पर? देखिए, शेख शाहजहां का आने वाला दिन बार बार कहा जा रहा है, बंगाल के अलग अलग मीडिया चैनल्स में देख रहे हैं, शेर जो है वो गिरफ्तार हुआ है। कैसा शेर? एक जो चूहा बिल में घुसा रहता है उसको गिरफ्तार कर लिया, संदेश खाली का शेर कहा जा रहा है, ऐसा कुछ कौन सा तीर मार लिया शेख शाहजहां ने, उसको शेर कहा जा रहा है। आने वाला दिन उसका बहुत खराब होने वाला है, इसका कारण ये है एक के बाद एक केसेस है। नहीं, लेकिन देखिए रविशंकर एक बात आपसे समझना चाहूंगा, 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं की हत्या का इस पर आरोप लगा और चार्जशीट में इसका नाम नहीं था। इसके बाद अब 55 दिन के बाद गिरफ्तारी होती है, बीजेपी का आरोप है कि संरक्षण दे रही थी ममता सरकार, और अब खबर यह आ रही है कि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो ईडी और सीबीआई को नहीं सौंपने वाली, तो यहां पर भी तो आरोप लगेगा ममता सरकार पर।
देखिए ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर लॉ चले, पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस के पास ये पूरी जिम्मेदारी है, ये पूरा उसके पास अथॉरिटी है, ताकि वो अपने केसेस जो है, जो 49 एफआईआर के बाद हो जा रहा है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करे। इसके बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं हो सकता कि क्यों वो ईडी को नहीं देंगे, सीबीआई को नहीं देंगे। हो सकता है स्टेट पुलिस वहां पे उनको अलाउ कर दे ईडी और सीबीआई को कि उनके कस्टडी में आके, स्टेट पुलिस का कस्टडी में आके वो पूरा चीज को वहां पे पूछताछ करे, फिर चले जाए। लेकिन ईडी जो मामले की इन्वेस्टिगेशन पर आप नजर बनाए रखें, क्योंकि अलग-अलग केसेस हैं जिसके तहत अब कानूनी शिकंजा इसके ऊपर कसता जाएगा। आगे भी आपसे लेंगे अपडेट, शुक्रिया। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी संग्राम की। जहां तक मेरे इस्तीफे की बात है, मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। देखिए आप सब जानते हैं कि कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही। जिस प्रकार का धोखा पार्टी को दिया है और जिस प्रकार उन्होंने अपने आप को, ईमान को बेचा है, इस प्रकार हिमाचल की राजनीति में पहले कभी नहीं। आज सभी विधायक हैं, विधानसभा का सत्र आज समाप्त हुआ है और सभी विधायकों ने अच्छा काम किया उसमें। और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में आगे होगा क्या? हालांकि सुखू की बच गई सरकार या संकट बरकरार? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस सवाल का जवाब जल्द मिल जरूर सकता है। हालांकि बागी विधायकों से अब तक बात नहीं बन पाई है और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की परेशानी को और उलझा दिया है। और देखिए खबरें आई कि इस्तीफा वापस ले लिया गया, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने इसका खंडन किया और इशारा दिया कि उनके मन में क्या चल रहा है और ये कि बिना समाधान के आगे बढ़ा नहीं जाएगा। और बड़ी खबर क्या है हिमाचल संकट को लेकर, हिमाचल संकट पर यह बहुत बड़ी खबर। सुबह 11 बजे बागी विधायकों पर फैसला होगा, स्पीकर 6 बागी विधायकों पर अपना फैसला सुनाएंगे। कल स्पीकर ने रिजर्व रखा था अपना फैसला। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या माना जाए कि कल ही यह खबरें आ रही थी कि इन बागी विधायकों के खिलाफ फैसला होगा और इनकी सदस्यता तक जा सकती है, तो क्या इसी बाबत आज कुछ हम माने कि ऐसा ही फैसला हो सकता है स्पीकर का? देखिए बागी विधायकों को मनाने का प्रयास किया गया, पार्टी में वापस लाने का प्रयास किया गया कि वो पार्टी के साथ खड़े हों, पार्टी जो भी फैसला ले, भले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम पर पद पर बनाए रखने का फैसला ले, उसमें ये विधायक भी साथ दें। लेकिन विधायक रात को पंचकुला चले गए, एक बार फिर से बीजेपी के संपर्क में हैं तमाम विधायक, और इसी वजह से अब माना जा रहा है कि स्पीकर ने और पार्टी ने ये मन बना लिया है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए और उसके बाद फ्लोर पर जाकर फ्लोर टेस्ट का सामना किया जाए। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उसमें अपना बहुमत साबित किया जाए, इसका ये प्रयास है। अगर 6 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो संख्या जो है वो घटकर जो बहुमत की है वो 32 रह जाएगी सदन में, और फिलहाल 34 विधायक होने का दावा कांग्रेस कर रही है। लेकिन एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, सीएम सुक्खू ने अभी अपने नज़दीकी विधायकों और मंत्रियों को अपने घर पर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है, ये उनका शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की संभावना पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, मोहित आपने शुरुआत में ये कहा कि बातचीत कर बागियों को मनाने की जद्दोजहद जारी है। एक और बड़ी खबर शिमला से यही है, विधायकों के साथ कांग्रेस के पर्यवेक्षक बैठक कर सकते हैं। कल रात वापस चले गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आज शिमला फिर आ सकते हैं हुड्डा। डीके शिवकुमार, राजीव शुक्ला शिमला में मौजूद हैं और शिमला में उनकी मौजूदगी के दौरान की जा रही मुलाकात और बातचीत पर सबकी नजर है, क्योंकि हिमाचल में सरकार को बचाने के इस संग्राम के बीच कांग्रेस के ये प्रयास कितने सही और मुमकिन साबित हो सकते हैं इस पर नजर है। तो देखिए कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, कल का संकट तो बचा ले गई कांग्रेस सरकार, सुक्खू सरकार, लेकिन क्या जो सरकार है वो सही मायने में सुक्खू सरकार बच पाएगी, ये आपको समझना बहुत जरूरी। हिमाचल में सरकार बचाने का कांग्रेस प्लान क्या है? पर्यवेक्षक एक एक विधायकों से मुलाकात वो कि उन्होंने की है, डीके शिवकुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने मुलाकात की, विधायकों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया, नाराजगी को दूर करने की सुरभि कोशिश की गई। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह से बात को लेकर भी बड़ी खबर आई है, क्योंकि रिपोर्ट तक मंत्री विक्रमादित्य का इस्तीफा नहीं, और साथ ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने रहेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है। और इस बीच ये संकेत भी मिल गए हैं कि सरकार बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो ही सीएम बदलेंगे।
और इसके अलावा खबर यह है कि बागी विधायकों के खिलाफ सबूत अब जुटाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जो तैयारी है वो कांग्रेस की सरकार की तरफ से कर ली गई है। और जैसा हमने आपको बताया कि आज जो स्पीकर है वो इस पर फैसला भी लेने वाले, तो ये पूरा एक फॉर्मूला है जो सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार को बचाने के लिए कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। हालांकि विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे ने किस तरीके से मुश्किलें बढ़ा दी थी, अब इस्तीफा देने वाले मंत्री विक्रमादित्य का ही बयान सामने आया है, मैंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है, रिपोर्ट तक इस्तीफे पर जोर नहीं, पर्यवेक्षक रिपोर्ट के बाद ही फैसला। जो सिचुएशन है ये मेरी वजह से तो बनी नहीं है, ये सिचुएशन जो कुछ विधायकों ने जो ये काम किया है उसकी वजह से ये चीज़ हुई है, तो उसके लिए ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उसके लिए सब से बात हो रही है, सब उस बात को सुन भी रहे हैं, सब उस बात को ऑब्जर्वर्स देख भी रहे हैं। जहाँ तक मेरे इस्तीफे की बात है, मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है, मैंने ये कहा है कि मैं अपने इस्तीफे को जब तक ऑब्जर्वर्स की फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, उस पर इंसिस्ट नहीं। देखिए आप सब जानते हैं कि कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमांड के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई, और हम चाहते थे कि वो बैठकर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते हमें भी बुलाते और इस बात का सोल्यूशन निकाल कर आज हम इस स्थिति पर ना पहुँचते। अब एक साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीजों का सामना। और एक और बड़ी खबर, हिमाचल के संकट पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा दावा, 5 साल का टर्म हम पूरा करेंगे, ये हिमाचल के सीएम की तरफ से दावा। 15 MLA के निलंबन पर बोली बीजेपी, आखिर तक लड़ाई को लड़ा जाएगा, ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया। ऐसे प्रतिनिधि जो हमारे हिमाचल के से राज्यसभा के उम्मीदवार चुनकर जाने चाहिए थे, उनको मत ना डालकर जिस प्रकार का धोखा पार्टी को दिया है और जिस प्रकार उन्होंने अपने आप को ईमान को बेचा है, इस प्रकार हिमाचल की राजनीति में पहले कभी नहीं। उनकी माफ़ी होगी कि नहीं होगी सर? क्या उनकी माफ़ी होगी या सदस्यता रद्द किया जाएगा, क्या होगा? ये तो देखिए, हम तो सबको माफ करने वाले लोग हैं, हम किसी के बदले की भावना से काम करने वाले लोग नहीं है, हमारे तो सभी हमारे लिए सारे छोटे भाई हैं। कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से आप? देखिए हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और हम अपनी सरकार को आने वाले 5 साल तक पूरी तरह चलाएंगे। धन्यवाद। देखिए हम सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, विधायक दल की बैठक को आज, क्योंकि आज सभी विधायक हैं, विधानसभा का सत्र आज समाप्त हुआ और सभी विधायकों ने अच्छा काम किया, उस दृष्टि से विधायकों के साथ आज बैठना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा की एक सीट का चुनाव हुआ, उसमें हमारी जीत हुई है, विधायकों के साथ संदर्भ में पहले दिन भी बैठ चुके हैं, आज एक बार फिर से बातचीत करके चुका है आगे क्या करना है पार्टी के दिशा निर्देश के मुताबिक। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज बड़ी बैठक कर रही है, आपको बता दें उसमें की मीटिंग में क्या होगा और पहले सूची में कितने उम्मीदवारों के नामों पर आज फैसला हो सकता है, इस रिपोर्ट में जानिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी में महामंथन जारी है, उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में कई दौर की बैठकें हुई हैं। अलग अलग बैठकों के बाद अब अंतिम मुहर आज होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में करीब 125 उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। शाम 6 बजे हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत CEC के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो आज CEC की बैठक के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि पहली सूची करीब 125 उम्मीदवारों की होगी, पहली सूची में हारी हुई और कमजोर सीटों के उम्मीदवारों की बहुलता होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहली सूची में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा पहली सूची में राज्यसभा से बनाए गए मंत्रियों के भी नाम होंगे। इस सूची में 3 तरह के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है, एक वो जो VIP सीटें हैं, दूसरे वो जो राज्यसभा से हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं, तीसरे वो जो अभी तक कमजोर सीटें रही हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को 17,500 करोड़ की सौगात देंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करीब है। उससे पहले प्रधानमंत्री विकास से जुड़े कामों का तेजी से उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को 17,500 करोड़ की सौगात देंगे, जिसमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जलापूर्ति, कोयला, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं की सौगात मध्य प्रदेश को देने जा रहे हैं, उनमें सबसे खास सिंचाई को लेकर परियोजना है। पीएम 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में अपर नर्मदा परियोजना, राघोपुर बहुउद्देश्य परियोजना और बसनी बहुउद्देश्य परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से डिंडोरी, अनूपपुर और मंडला जिलों में 75,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। इसके अलावा 2,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी 3 रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र को 49,000 करोड़ की सौगात दी है और पीएम ने किसानों की योजनाओं को लेकर 2014 से पहले की सरकारों पर सवाल उठाए। इंडिया गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। यवतमाल में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज उनके एक बटन दबाते ही करोड़ों किसानों के खाते में 21,000 रुपए पहुंच गए, लेकिन अभी जो इंडी गठबंधन बना, जब उसकी सरकार थी तो क्या होता था, याद कीजिए। आप याद कीजिए, ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी जब केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी? तब तो कृषि मंत्री भी यही ये महाराष्ट्र के थे। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए गांव की अर्थव्यवस्था का सशक्त होना बहुत जरूरी है। अब की बार महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर फैसला कल भी नहीं हो पाया। कल मुंबई में महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों की बैठक हुई, लेकिन सीट बंटवारे पर कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। अब सीट बंटवारे पर कोई भी बैठक नहीं होगी। कल मुंबई में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों की आखिरी बैठक हुई, लेकिन करीब 4.5 घंटे तक चली बैठक के बाद भी नेता सीट बंटवारे पर अपना फैसला नहीं बता पाए। सबसे चौंकाने वाली खबर ये है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने 27 सीटें मांग ली हैं। हालांकि संजय राउत ने दावा किया कि सभी सीटों पर चर्चा हुई और सीट बंटवारे पर ऐलान शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात नहीं है, उसमें वंचित बहुजन अघाड़ी है और भी छोटे छोटे दल जो महाविकास अघाड़ी में अब शामिल है, उनकी भी चर्चा हो गई। तो जो फॉर्मूला है, जो सीट शेयरिंग है, उस बारे में जल्दी आपको पता चलेगा। बैठक में वंचित बहुजन अघाड़ी ने मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जारंगे को जालना सीट से चुनाव लड़ाने की मांग की। वंचित बहुजन अखाड़े की ओर से बैठक में 27 सीटों की मांग करने वाले धैर्यवर्धन पुंडकर बीच बैठक से निकल गए। अपने गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा, बीजेपी में शामिल होने को लेकर उठ रहे सवालों पर कमलनाथ ने क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच कमलनाथ बहुत भावुक नजर आए। छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि आपने मुझे इतने साल प्यार और विश्वास दिया, अगर आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो मैं विदा होने को तैयार हूं। आपने इतने साल मुझे प्यार और विश्वास दिया, बोले कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है, मैं विदा होने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता। बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों के बीच मध्य प्रदेश के कमलनाथ ने कहा कि ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं। तो ये चुनौती हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आक्रमण है, पर डरिएगा मत, ये इनका दिखावा होता है। कमलनाथ के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं।
एक तरफ कार्यकर्ताओं के बीच भावुक हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी में शामिल की बात को अफवाह बता रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव मचाने वालों के लिए बुरी खबर है। हरियाणा पुलिस अब उनके पासपोर्ट और वीजा को रद्द करने की तैयारी में है। क्या है पुलिस का ये पूरा प्लान, आप देखिए रिपोर्ट में। किसान एमएसपी की मांग को लेकर अब भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं, बॉर्डर पार कर दिल्ली कूच के लिए बैठे हैं। इस बीच किसान आंदोलन में उपद्रव मचाने वाले, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले, पत्थरबाजी करने वालों की अब खैर नहीं। अब हरियाणा सरकार उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी में है। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान की है जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। हमने वीडियो बनाई है, उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीजा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। हरियाणा पुलिस काफी एक्शन में है, अब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं बचेंगे। शंभू बॉर्डर पर जो किसान दिल्ली कूच को लेकर जोश में थे, अब उन युवाओं के होश उड़ने वाले हैं। पुलिस बैरिकेड तोड़ते या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते नजर आए ऐसे किसानों के लिए अम्बाला पुलिस अब सख्त कदम उठाने जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएए को लेकर क्या कहा, उन्होंने मुसलमानों को क्या सलाह दी, इस रिपोर्ट में सुनिए। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर पूरे देश में चर्चा है। केंद्र सरकार जल्द सीएए लागू कर सकती है, इसे लेकर लोगों में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी आ गए हैं। शहाबुद्दीन ने कहा है कि इस कानून से मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। इस कानून के लागू होने से न घबराएं, मुसलमानों का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग भी गुमराह करने वाली बातें करते हैं या मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं, उनकी बातों पर मुसलमान ध्यान न दें, बल्कि ये आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है इसमें होशियार रहें। शहाबुद्दीन ने मुस्लिम समुदाय को समझाया कि ये कानून नागरिकता देने वाला है, छीनने वाला नहीं है। नागरिकता प्रदान करता है, न कि ये कानून किसी की नागरिकता लेता है। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि इस कानून से घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में अवैध कमाई करने वाले शिक्षकों पर अब बुलडोजर चलेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर काफी एक्शन में दिख रहे हैं। अवैध रूप से कमाई करने वाले शिक्षकों पर भी अब बुलडोजर चलेगा। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि पिछले 5 सालों में किसी टीचर पर दुराचार या रेप का आरोप हो तो उनकी अवैध संपत्ति चिन्हित कर उस पर बुलडोजर चलाया जाए। गंभीर अपराधी जिसमें किसी ने बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया है और बलात्कार की हत्या कर दी है, ऐसे मामलों की सूची बना करके और फिर उसमें से हम सबसे बड़ा अपराध है उसकी संपत्ति को ठोक दें। शिक्षा मंत्री दिलावर ने साफ कहा है कि जो भी शिक्षक नियमों का पालन नहीं करेगा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल टाइम में कोई भी टीचर नमाज पढ़ने या मंदिर नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से साफ कहा है कि स्कूल जाने से पहले वो अपने सब्जेक्ट को पढ़कर पूरी तैयारी के साथ स्कूल आए। बैठक में मौजूद अधिकारियों से कहा है कि अवैध मदरसों को तुरंत बंद किया जाए। बड़ी खबर, WTO में भारत ने चीन के निवेश एजेंडे को रोका। चीन ने निवेश सुविधाओं और रियायतों को चर्चा में शामिल कराने की कोशिश की थी। निवेश का मुद्दा WTO की व्यवस्था के खिलाफ, भारत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। निवेश मुद्दों पर अमेरिका के साथ भी असहमति, निवेश मुद्दे के विरोध पर भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका। क्या दुनिया के देशों को WTO छोड़ने की छूट मिलनी चाहिए? अबू धाबी की बैठक के गलियारों में यह सवाल तैरने लगा है और भारत ने प्रस्ताव दिया है कि अगर किसी देश को इन वार्ताओं से कुछ नहीं मिला तो उसे संगठन से निकलने की सुविधा क्यों ना दी जाए।
WTO के गलियारे में चर्चा है कि भारत ने एग्जिट WTO वाली पेशकश इसलिए भी की है क्योंकि कई देश निवेश के अलावा पर्यावरण, कार्बन क्रेडिट, महिलाओं की व्यापार में भागीदारी, लघु उद्योग जैसे मुद्दे भी एजेंडे पर लाना चाहते हैं। निवेश को WTO के दायरे में लाने की तैयारियों पर भारतीय पक्ष के तेवर खासे तीखे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं कि निवेश को WTO में शामिल किया जाए। हम सहमति बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और कई देश अलग अलग विषयों पे सहमति को तोड़ रहे हैं। WTO की व्यापार वार्ताएं शतरंज की बिसात की तरह होती हैं। मेज पर सौदेबाजियां और लेन देन होते हैं ताकि दूसरे पक्ष से अपने देश के लिए अधिकतम रियायतें हासिल की जा सकें, और WTO के इस कन्वेंशन सेंटर में इस समय यही चल रहा है। भारत का पक्ष यह है कि निवेश तो कभी भी WTO का हिस्सा रहा ही नहीं, ट्रेड की बॉडी में ट्रेड पर चर्चा होनी चाहिए, निवेश पर नहीं, और भारत ने इसका विरोध भी किया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ट्रेड को लेकर भारत के रुख को WTO में कितना स्वीकार किया जाता है और भारत के पक्ष पर क्या निर्णय निकलता है सब्सिडी को लेकर। अबू धाबी के कन्वेंशन सेंटर से TV9 नेटवर्क के लिए मैं अंशुमान तिवारी। WTO की मंत्री स्तरीय बैठक में विकसित देश और विकासशील देशों के बीच अपने अपने हितों को लेकर बहस हो रही है। भारत ने साफ कहा कि विवाद नहीं सुलझे तो WTO पर कौन भरोसा करेगा। भारत ने साफ कहा कि वो सभी को हितों की बात करता है। WTO विवाद सुलझाने की व्यवस्था का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा 4 साल काम ही नहीं कर रहा है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका है जो यूं तो मुक्त बाजार का समर्थक है, मगर विवाद निस्तारण ढांचे में 4 साल से अमेरिकी जज नियुक्त नहीं किए गए हैं। भारत का मानना है कि उसे खाद्य भंडार बनाने के लिए अपने किसानों से अनाज खरीदने की छूट मिले और सब्सिडी को लेकर कोई रोक न लगाई जाए। हम जो इश्यूज रेज करते हैं बहुत सोच समझ के और देश हित और दुनिया के हित में रेज करते हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बात करते हैं WTO में। दुनिया के 60 देशों में चुनाव चल रहे हैं और 2 जगह युद्ध, इनकी छाया के बीच अबू धाबी में WTO की बैठक की वार्ताएं अपने सबसे संवेदनशील दौर में पहुंच गई हैं। एजेंडे पर है खाद्य सुरक्षा और कृषि सब्सिडी का मुद्दा जिसका नेतृत्व कर रहा है भारत। भारतीय पक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कृषि और खाद्य सुरक्षा को लेकर उसकी मांग जो 2013 से लंबित है, विकासशील देशों को इस मामले पर बहुपक्षीय संस्था से न्याय मिलना चाहिए। अबू धाबी के कन्वेंशन सेंटर से WTO की बैठक से TV9 के लिए मैं अंशुमान तिवारी। और उत्तरकाशी की सुरंग में 41 मजदूरों को बचाने वाले रायमाइनो वकील हसन के दिल्ली में मौजूद मकान को DDA ने जमींदोज कर दिया है। वकील हसन का परिवार धरने पर बैठा है। क्या मांग कर रहे हैं वकील हसन? DDA ने क्यों गिराया मकान? इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में जब काबिल इंजीनियरों और मशीनों ने हार मान ली, तब वकील हसन की टीम ने मोर्चा संभालते हुए सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की थी। अब 41 मजदूरों को बचाने वाले रेड माइनर वकील हसन के मकान को DDA ने बुलडोजर चला दिया। वकील हसन आज सड़क पर रात बिताने को मजबूर हैं क्योंकि उनके मकान को ध्वस्त कर जमींदोज कर दिया है। DDA ने इसके लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया है, न ही कोई टाइम दिया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर 41 लोगों को रेस्क्यू करके ले आए, तो उनको तो वैसे भी कहते हैं ना सर कि क्या चाहिए तुम्हें, इस तरीके से बोल दे। लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि जो हमारा जगह है, हमारा घोंसला, वो हमें दिया जाए। हमारी व्यवस्था नहीं बनेगी, हम लोग यहाँ शांति से हम यहाँ अपने अनशन पर बैठेंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। वकील हसन का परिवार सड़क पर धरने पर बैठा है। आज भी जब वो मकान तोड़ रहे थे वो कह रहे थे इधर की कोई ईंट टच ना हो जाए। DDA के अधिकारी यहाँ आए थे, वकील हसन को मौखिक आश्वासन दिया, लेकिन ये लोग लिखित आश्वासन चाहते हैं। ग्रेटर नोएडा में छात्र यश मित्तल की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने ये गिरफ्तारी की। मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गोली लगी है। एक फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो मुठभेड़ में 3 आरोपियों को लगी गोली, जहां आपको बता दें ये पूरा मामला जिसको देखते हुए पुलिस लगातार जगह जगह पर धरपकड़ के लिए तलाश कर रही थी। और ग्रेटर नोएडा में छात्र यश मित्तल की हत्या के 3 आरोपियों की अब गिरफ्तारी हुई है। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी है। एक फरार आरोपी की तलाश जारी है।